बहराइच कोतवाली नगर इलाके के गुदड़ी की घटना। रात के अंधेरे में नकाबपोश चोरों ने घर को निशाना बनाया, लेकिन इस बार चोरों का करिश्माई अंदाज कुछ और ही रंग लेकर आया। यह नकाबपोश चोर काफी दिनों से योजना बना रहे थे, लेकिन इनकी योजना सफल नहीं हो रही थी। इधर घर वालों ने भोलेनाथ की नगरी बनारस जाने का ठानी की सावन के पावन महीने में दर्शन करने के लिए पूरा परिवार बनारस के लिए निकल पड़ा। दूसरी और नकाबपोश चोरों को इतना सुनहरा अवसर और प्ले नहीं मिल सकता था। एक तरफ परिवार जन जैसे ही अपने गंतव्य स्थान गुदड़ी से बनारस के लिए रवाना हुए, मकान सुनसान देखकर चोरों ने मकान पर हमला बोल दिया। ये कोतवाली नगर में गुदड़ी बाजार मोहल्ला में रहने वाले मुकेश रस्तोगी दिनांक 2/8/19 को सपरिवार घर में ताला लगा करके वाराणसी चले गए थे। घर में कोई नहीं था, ताला बंद था। आज जब वो वापस आए हैं 10 बजे 10:30 बजे वापस आए हैं तो गेट का ताला खुला था, अंदर का ताला खुला था, घर में चोरी हो गई। मौके पे सूचना प्राप्त होते पे हम सब लोग पहुँचे और फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई है, वो अपना काम कर रही है। परिवार वालों ने तहरीर दे दिया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें टीम गठित करके जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा। क्या नाम है सर? मुकेश रस्तोगी। ये सर आपके यहाँ चोरी हुई है, कैसे हुई है और कितने की हुई है? मैं 2 दिन के लिए वाराणसी गया था दर्शन करने बाबा जी के, वहाँ से आज सुबह 10 बजे आया। उसके बाद यहाँ देखा, जैसे घुसा वैसे सभी दरवाजे के ताले टूटे हुए थे, और फिर अंदर आके लाकर सब देखा, सब कपड़े और लाकर से सब सामान गायब हो, और लगभग सोने और चांदी का कोई भी आइटम छोड़ा नहीं। बच्चे की एंगेजमेंट थी तो उसका भी कुछ कुछ क्या कैश के लिए वो सब काफ़ी कुछ ले जा चुके हैं। उसके हार का भी था, साड़ियाँ थीं काफ़ी महंगी महंगी साड़ियाँ, वो सब उठा के ले गए। लगभग कितने रुपयों का नुकसान हुआ होगा? लगभग अभी पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता, मगर हाँ 5-6 के नीचे नहीं होगा।